अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक। सो लेकर आ चुकी हूँ आप सबके लिए हमारे बहुत ही प्यारे नावल गुनाह मोहब्बत के एपिसोड 7 को, जिसे हम आज पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं इसे हमारे बहुत ही प्यारे से नए नावल बनी बेस मलेशिया रहना के। मेरा मर्ज तो तभी शुरू होगा जब आप सबका बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनके स्नैक पैक्स पर होगा, जो कि साथ साथ आते रहेंगे और आपको गा करते रहेंगे। ये कितना ज़बरदस्त होने वाला है नावल। तो वो पढ़ते हमारे आज वाले इस गुनाह मोहब्बत के एपिसोड को। बिस्तर पर सीधी लेटी वो तकिए के साथ टेक लगाए आंखों को बंद किए हुए थे। वजूद पर सिर्फ छोटी सी बनियान, जो कि इसके बड़े साइज़ के भारों को छिपाए हुए थे, और नीचे से सिर्फ पिंक रंग की पैंटी मौजूद थी। इसे अपनी अनसर्ड महसूस हुई, जो दानिश ने इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन अचानक से अपने पेट पर किसी के गर्म हाथों का लम्स महसूस करती इसने अपनी आंखों को फ़ौरन से खोल लिया। अपने बिल्कुल करीब वो किसी शख्स को बैठे देख जल्दी से लाइट को ऑन करने लगी, लेकिन इस शख्स ने इसके हाथ वाली कलाई को पकड़े तकिए के साथ लगा दिया। तुम कौन हो? दानिश, कहीं तुम तो नहीं परफ्यूम की खुशबू को सूंघती? इसने दानिश का ही जिक्र किया। खामोश जाओ, इस वक्त बातें तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि दो वजूद के अंदर लगी आग को बुझाने का वक्त है ये। अपने चेहरे को इस कदर संभल के चेहरे के करीब के धीमे लहजे में बोला, जिसके बायस इसके लब भी संभल के रुखसारों और होंठ के साथ टकराते महसूस हो रहे थे। इस वजूद की गर्म सांसें संभल के अंदर तपिश को हवा देने का काम कर रही थी, जिसकी वजह से इसके सीने के भारों पर मौजूद बगैर इस शख्स के भी चूहा कड़ाव पैदा करने लगे। खुद जज्बात के पानी में बहती जमल इस शख्स के कुर्ते को अपने हाथों की मुट्ठियों में पकड़े, दानिश तेरे किस बात की है? तुम्हारा मुझे रिजेक्ट करके जाने पर बहुत गुस्सा थी मैं, लेकिन अब तुम इस गुस्से को ठंडा कर सकते हो। पूरे का पूरा वजूद मैं तुम्हारे सपोर्ट करती हूँ, जिस तरीके से चाहे हासिल कर सकते हो तुम। जमल की खुली छोट को सुनता दानिश भी इसके सर के पीछे हाथ ले जाए बुरे तरीके से बालों को पकड़े अपने होठों के साथ जमर के दरमियाने साइज के होठों को जोड़ गया। आदि मुजरिम थी वो, तभी तो खुद अपने हाथ से दानिश के रुखसार को पकड़े वो अपने होठों को खोल और बंद करके अपने प्यास को मजीद बढ़ाने लगी थी। दानिश भी इसकी कमर के पीछे हाथ ले जाए एक ही झटके में बिस्तर पर लेटाता मजीद जोश के साथ इसके होठों को चूमने लगा, साथ ही अपने हाथ से इसकी पहनी छोटी सी बनियान को ऊपर की जानब के इसके बड़े साइज के भार को हाथ से पकड़े दबाता जमर के अंदर ठेस पहुंचा गया, जिसकी वजह से वो दानिश के होठों को अपने दांतों में दबा गई। इसके ब्राउन रंग की जिसकी जिल्द इस वक्त बेहद सख्त थी, मानो खुद को जख्मी करवाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हों को अपनी उंगलियों और अंगूठे से मसलता दानिश इसकी शक्ति में मजीद इजाफा करने लगा। तो प्लीज़ काट खाओ इन्हें, अपने होठों से दानिश के लोगों को जुदा करते हुए तेज तेज सांसें लिए अपने अभारों में मच रही बेचैनी को कम करने का बोल रही थी। जबान से इसकी थोड़ी को चाटते इसकी गर्दन पर फेरे सीने की ऊपरी जगह पर पहुँचता रुक गया। क्या हुआ? मुँह में लोहे ने, और प्लीज़ तब तक नहीं छोड़ना जब तक इंतहा ना हो जाए। बेचैन सी होती दानिश को पुकारे जाए, लेकिन किसी भी किस्म का जवाब ना मिलने पर, दानिश तुमसे कुछ कह रही हूँ, क्या हो गया? आखिर गुस्से से वो बोल पड़ी, लेकिन अपनी आंखों को खोलते ही वो लाइट को ऑन के दानिश कहाँ पर हो वो दानिश के कमरे में तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं पर भी इसे ना पाए। ये सब मेरा ख्वाब था, वो नहीं आया मेरे पास, और मैं यहाँ खुशी से मरे जा रही थी, जैसे कि बस कुछ ही देर में तूफानी शिद्दतों से मेरी मुलाकात होने वाली है। वो वाकई में कोई ज़्यादा ही पागल हो चुकी थी। दानिश के बच्चे अच्छा नहीं किया मुझे रिजेक्ट करके, अब देखना मुझसे करोगे तुम शादी, और शादी के बाद सुहागरात भी मैं मनाऊंगी, इसके बाद तलाक तुम्हारे मुंह पर भी मैं ही मारूंगी। समर की सोच जिस किस्म की थी इसने प्लानिंग भी वैसे ही बनाई। वो भी सोच कर खुश हो ही रही थी कि मोबाइल पर मीरब की कॉल को देखे। अब ये क्यों करे कॉल, इसे क्या कहूँगी? जो भी हो, शादी तो 2 दिन की ही करनी है, इसके बाद तो मैं मीरब के साथ ही रहूँगी। बस इन मॉम डैड से कह दूँ जल्द से जल्द वो हमारी शादी करवा दे। न जाने वो क्या सोच कर बैठी थी, जैसे कि दानिश गुलामों की तरह हाँ कर देगा। भूखी प्यासी कब तक बैठी रहेगी, रिज़्क की कदर करते हैं, लेकिन
लेकिन कल का खाना यूं ही यहाँ पर पड़ा है, कुछ खा ले क्योंकि रात को स्पेशल कस्टमर बुला रहे हैं हम। अब तुझे इनमें जितने भी लोग पसंद कर लें सबको कुछ तुम्हें करना होगा। इसी जैसे जिसम में जान होगी तभी तो कुछ कर सकेगी तू। बाजी कमरे में आती फर्श पर बैठी आरफा को देखती इसे समझाने लगी, कुछ तो एहसास कर लो, हो तो तुम भी इंसान ही। बचपन से रह रहे हैं हम यहाँ पर लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पर तरस नहीं आ रहा। जमन ने इसे एहसास करवाने की कोशिश की जो कि शायद बेकार थी। और ये डायलॉग सिर्फ फिल्मों में अच्छी लगती है, हकीकी ज़िंदगी बड़ी बेरहम और सख्त है। अगर सब पर मुझे मैं तरस खाती रही तो कस्टमर को कौन खुश करेगा। बड़ी हो गई है तेरी बकवास, खाना खाना है तो खा वरना शाम को शम्मा आकर तुझे तैयार कर देगी, क्योंकि आज तुझे पेश होना है अमीर अमीर लोगों के आगे। अपनी बात मुकम्मल करती बाजी वहाँ से चली गई और आरफा की उम्मीद फिर से टूटती से महसूस हुए जैसे वह रब की और कोई इसकी मदद नहीं कर सकता था। दानिश बेटा कैसे हो। दानिश जो कि फसलों की कटाई करवाता देख रहा था दानिश इसके पास है इससे सवाल करने लगा, अरमान चाचा आप यहाँ पर कैसे आना हुआ। दानिश गले लगे अरमान से को यहाँ देख हैरान हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, वो तुम्हें बुलाने के लिए मैंने मुलाजिम भेजा था लेकिन तुम मसरूफ हो इसने बताया, मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाता हूँ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। जानता हूँ मैं कि ये बात इस वक्त कहना मुनासिब नहीं लेकिन दानिश बेटा तुमसे ज़्यादा इस दुनिया में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तुम ही हो वो शख्स जिस पर आँखें बंद किए मैं अपनी ज़िंदगी भी दे सकता हूँ। आज भी मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे अनमोल और कीमती चीज़ देना चाहता हूँ जिसका मेरे बाद तुम सबसे ज़्यादा ख्याल रख सकते हो। अरमान की बात दानिश को कुछ कुछ तो समझ आ रही थी लेकिन फिर भी इसने पूछ ही लिया अरमान का असली मकसद। बेटा जमल इसकी शादी मैं तुमसे करना चाहता हूँ, इसने खुद मुझसे कहा कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी हम कर दें। अरमान की बात दानिश पर पहाड़ के टूटने की माने थी। चाचा जी मैं नहीं कर सकता, दानिश ने फौरन ही मना कर दिया। क्या मतलब कि तुम किसी और को पसंद करते हो। अरमान को उम्मीद नहीं थी दानिश की जानिब से इस किस्म के जवाब की। नहीं चाचा जी, मेरा मतलब कि मैंने कभी नहीं सोचा अपनी फैमिली को बनाने के बारे में, अब भी अचानक से इतना बड़ा फ़ैसला मैं नहीं कर सकता। दानिश में भी इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी जो अरमान के सामने इसकी बेटी का रिश्ता रिजेक्ट कर दे। दानिश तो कोई बात नहीं, तुम सोच समझ कर जवाब दे देना क्योंकि शादी जैसे रिश्ते में मुंसलिक होने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अरमान भी मुस्कराए दानिश को सोचने का टाइम दे गया। शुक्रिया चाचा जी। दानिश को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो अरमान को कैसे मना करे क्योंकि इतना तो वो भी जानता था यूज़मर के मुतलक तलख हकीकत जिससे अरमान और महर दोनों अनजान हैं। बताया रिश्ता रिजेक्ट करने का नतीजा हमेशा हमेशा के लिए अरमान से दूरी है क्योंकि वो कभी यकीन नहीं करेगा कि आखिर जमल इस किस्म की लड़की है। दानिश क्या हुआ यार, कब से तुझे देख रहा हूँ, पता नहीं किस सोच में गुम है, कितने दिनों बाद तुझसे मैं मिलने आया हूँ लेकिन तूने तो मेरा हाल जानने की भी तौफीक नहीं की। दानिश सोफ़ा पर बैठा अरमान की बातों के मुतलिक सोच रहा था और इसी बात का शिकवा इसका दोस्त भी इसे करने लगा। अरसल यार क्या बताऊँ तुझे, बड़ी अजीब सी सिचुएशन में फंस चुका हूँ। अरमान चाचा जी तुम जानते हो ना बचपन से इन्होंने मेरी कितनी परवाह की, आज जो कुछ भी हो इन्हीं की बदौलत हूँ लेकिन अभी इन्होंने मुझसे कुछ कहा है जो मैं नहीं मान सकता। हाँ अगर इनकी बेटी शरीफ मासूम जिस किस्म की मुझे चाहिए होती तो ज़रूर कर लेता शादी, लेकिन वो तो खुद मुझे ऑफर कर रही थी शादी से पहले सुहागरात मनाने की ताकि हम इस तरीके एक दूसरे को जान सकें। अपनी प्रॉब्लम दानिश ने अपने दोस्त अरसल के आगे रख दी। यार इतने से बात कर ले शादी और क्या हुआ, आजकल का दौर है ये, यहाँ आजकल की लड़कियाँ हैंडसम लड़कों को देख शर्माती नहीं बल्कि खुद इन्हें प्रपोज करती हैं और सुहागरात में मज़े भी भरपूर देती हैं। अब जैसे तू चाह रहा है मुझे नहीं लगता इस दौर में ऐसी कोई लड़की होगी। अरसल का मशवरा सुनने से बेहतर था कि दानिश से कुछ ना ही बताता। अरसल तुम्हारी सोच क्या है, इस जैसे लड़की से मैं दानिश भट्ट शादी करें। इस दौर में भी शरीफ लड़कियां मौजूद हैं जिन्हें अपनी इज्जत बहुत अजीज है जैसे बचाने की खातिर हर हद पार कर जाती है और मैं शादी भी इस किस्म की लड़की से ही करूँगा लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही चाचा जी को इनकार कैसे करूँ, कुछ तो बता तरीका जो वह नाराज़ भी ना हो और मेरा इनकार भी हो जाए। दानिश बेशक अरसल को बता रहा था शरीफ लड़की के मुतलिक लेकिन इसकी सोच और दिमाग आरफा को ही मद्देनजर रखे हुए था। यहाँ यार तो कह दे तो किसी और को पसंद करता होगा, ना भी माने तो मेरी शादी इनकी बेटी से करवा दे, ऐसी लड़की तो मुझे बड़ी पसंद है। अरसल यहाँ मजाक नहीं चल रहा, मोहब्बत अचानक से कहाँ से मैं करने लगा,
32 साल हो चुके हैं, शादी क्यों नहीं की मैंने? अपनी मोहब्बत से ये सवाल चाचा जी की जानिब से होगा मेरे लिए। दानिश तो कर ले शादी किसी भी लड़की से, क्योंकि तुझे एतराज़ इनकी बेटी से। अच्छा अब छोड़ इन सब बातों को, जिस काम की खातिर तेरे पास भी मैं आया हूँ वो करने मुझे जाना है, लेकिन आज मेरे साथ मेरा परेशान यार भी चलेगा। अरसे मुझे कहीं पर भी नहीं जाना, तो चला जा। दानिश का मूड आज वाकई ऑफ था, वो परेशान था सोच सोच कर। दानिश यार अगर तो अकेले बैठा रहा सिवाय परेशानी कर कुछ नहीं मिलना, मेरे साथ चल, खुद को रिलैक्स कैसे करते हैं मैं तुझे बताऊंगा। चल भी, दानिश को ज़िद करता असल अपने साथ ले जाने लगा। अरसा तो मुझे कहाँ पर लेकर जा रहा है? देख अगर ऐसे वैसे तूने हरकत की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पहले से दानिश ने इसे फ़ोन कर दिया। गांव से कुछ ही दूर शहर में पहुंचे अरसा ने इसे हीरा मंडी ले आया, जो आज काफ़ी जगमगा रही थी, क्योंकि आज आरफा की ज़िंदगी की बर्बादी की शुरुआत होने वाली थी। ये जगमगाती रोशनी चीख चीख कर यह बात बताई जाए। अरसे तो इसे कहा था मैंने, तू ही जा, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। जानता है ना इस किस्म की औरतों से किस कदर नफरत है मुझे। दानिश गाड़ी से बाहर निकलने लगा था किस जगह से जा सके। दानिश रुक तो सही, मुझे स्पेशल नौरीन बाजी ने बुलाया है कि एक नया हीरा मिला है इसे, जिसे मजीद निखारने की शुरुआत वो मुझसे ही करना चाहती है। और तेरी भी तो यही ख्वाहिश है ऐसी लड़की के करीब आना जो बिल्कुल अनछुई हो। आज तू ऐसे मिल इससे मिल ऐसी लड़की से मिल ले, एक रात हसीन कर ले इसके साथ। देख तो परेशान है, इसी वजह से इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा हूँ मैं। अरसल एहसान करने के अंदाज से बोल रहा था, मुझे नहीं है ऐसी लड़की चाहे जिसने खुद को बचाए रखा भारी कीमत वसूलने के लिए। इसी वजह से इस हीरे को तो तू खुद ही रख ले। दानिश ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन अरसल इसे बाजू से पकड़े, यार एक दफ़ा अंदर तो चलो। अच्छा ठीक है तो कुछ मत करना बस। अरसल दानिश का बचपन का दोस्त था, वो जानता था दानिश को कैसे मनाया जाता है। ज़बरदस्त इसे कोठे में जाए एक बड़े से घर जिसके बाहर बहुत सी औरतों का रश लगा होता। दानिश और अरसल को देख मुस्कुराने लगी, आखिर इतने अमीर लोगों का यहाँ आना होता था। आया है अरसल साहिब, हमारी तो आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए। हमने सोचा न जाने कौन सी हमसे खता होगी जो आपने हमारे चौखट पर चढ़ना ही बंद कर दिया। बाजी जो कि खुद ही बहुत तैयार हुई बैठी थी दानिश और अरसल का इस्तकबाल की शिकवी करने लगी। नौरीन क्या करें, मसरूफियात बढ़ चुकी हैं, लेकिन अब जब तूने हीरे की बात की तो मिलने आ गई। ये मेरा दोस्त है, अगर तू मेरे दोस्त को राज़ी करवा ले तो इस हीरे की दुगनी कीमत दूंगा मैं। दानिश को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से को वो जब्त किए बैठा था। साहिब जी एक बार तो आप कमरे में जाकर तो देखें, इतनी खूबसूरत चीज़ को देख कमरे से बाहर निकल पाना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अभी तक कुंवारी है जिसने कभी जिंदगी में खुद को भी ना छुआ था, लेकिन इस तितली को मैंने डब्बे में बंद किए रखा हुआ था जो आज जसाहत की है। आरफा की तारीफ वो कुछ इस अंदाज से कर रही थी। देख लेते तुम्हारे स्थिति को दानिश, देखे एक मरतबा तो कमरे में जा कर देख ले। अगर तेरे दिल चाहा तो मैं ये शर्त हार जाऊंगा, और अगर ये तितली भी तुझे पसंद ना आए तो बाजी ये भी बता दो कि तुम क्या दोगी हमें। अरसा बाजी से ही पूछने लगे, साहिब जी हमारे हमसे मज़े देने के अलावा और है ही क्या? खैर शर्त हारने पर मैं तो हूँ ही जो हर अंदाज से आपको मज़े दे दूँगी। अपनी बात पर खुद ही कहका लगाए हंसने लगी।